देखो बच्चों, अब हम आपको बता रहे हैं कि बर्थडे में इनविटेशन अंग्रेजी में अपने दोस्तों को कैसे दें। कैसे? तो सारे बच्चे इस पैटर्न को याद कर ले, बाकी नाम भरना है उसमें। क्या भरना है? इतना सारी चीजें याद कर ले, जैसे ये लिखा डियर, क्या लिखा? डियर। ये लिखा आई एम, आई एम सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, बर्थडे। खाली जगह छोड़ दी मैंने, इतना भरना है खाली आपको, मैं भी बताऊंगा। यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, प्लीज कम टू माई हाउस ऑन डे, वो लिखना पड़ेगा। एट इस टाइम आना, को लिया लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे आप अपना एड्रेस, उसको एड्रेस भी भेजेंगे आप यहाँ पर। फिर आई विल बी हैप्पी टू सी यू, थैंक यू। ये जितना भी लिखी है ये अंग्रेजी, ये आपको याद करना पड़ेगी। भरना क्या है, मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं निक्की है, ये रिया को भेज रही है निक्की, कौन भेज रही है? तो यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे डियर रिया, क्या लिखेंगी? यह लिखा फ्रेंड ने, फ्रेंड का नाम लिख दो यहाँ पर, डियर रिया लिख दिया। ठीक है, आई एम सेलिब्रेटिंग, मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ, कौन सा वाला? 11, मान लो 11वां जन्मदिन मना रहा है। कौन सा जन्मदिन मना रही हूँ? 11। 10वां मना रही हूँ, 10th लिख दो। 11वां मना रही हूँ, 11वां बर्थडे, मैं अपना 11वां जन्मदिन मना रही हूँ, यहाँ पर भी भरना। ये आपको सब याद कर लेना है, कर लोगे? ठीक है, यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, मैं एंड तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्या चीज हो? इनवाइटेड हो। इनवाइटेड को तो जानते हो है? मैं बुला रही हूँ आपके लिए पार्टी में, इनवाइट कर रही हूँ आपके लिए, निमंत्रण दे रही हूँ आपके लिए, समझ में आया? इसका मतलब यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, मैं 11 तारीख को जो है बर्थडे मना रही हूँ, उसमें आपको बुलावा भेज रही हूँ। आगे, प्लीज कम टू माई हाउस ऑन किस दिन? यहाँ पर डे भरना है, डे मान लो मंडे है, तो मंडे को ऑन मंडे, मंडे को प्लीज कम टू माई हाउस ऑन मंडे, सोमवार को मेरे घर पे आना है। ठीक है, कृपया, प्लीज मानी इसलिए लगा दिया, कृपया संबोधन कर दिया, कृपया मेरे घर पर सोमवार को आए। एट टाइम, या टाइम भरना क्या बजे आना? 8, शाम को मनाते हैं 8 PM, शाम को 8 बजे आए। यहाँ पर लिखे आप एड्रेस, स्कूल का नाम लिख रहे हैं तो मैं स्कूल का लिखती है सारू मंगला, अगर अपने घर का लिखोगे तो घर का लिख देना, ये स्कूल का नाम है आपके। आई विल बी हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश होंगी, या मैं आपको देखकर बहुत खुश होऊंगा, थैंक यू। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने किसी को भी आप क्या भेज सकते हो? लेटर अंग्रेजी में भेज सकते हो। अगर यहाँ पर ये दोस्त को नहीं भेज रहे हो तो किसी रिश्तेदार को भेज रहे हो तो रिश्तेदार का नाम लिखो, डियर प्रतीक, डियर राहुल, डियर पायल, डियर कंजल यादव, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीजें याद रखना पड़ेगी। आई एम सेलिब्रेटिंग, थैंक यू वेरी मच।